प्रातः काल उठने की हम बात कर रहे हैं, हमारा जो ये शरीर का जो जैव जो घड़ी है ना हमारी, वो कैसे काम करती है? ये शरीर के अंदर तीन दोष की जैसे हम बात करते हैं ना, बात पित्त कफ, तो प्रातः काल देखो ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप, वात पित्त कफ को कैसे समझना है। बचपन में आप देखेंगे ज़्यादा बीमारी कौन सी होती है बच्चों को, कफ की शिकायत होती है प्रायः, कि बलगम हो रही है, खांसी हो रही है, सर्दी है, जुकाम है, ये वाली बीमारी बच्चों को ज़्यादा होती है। और जवानी में कौन सी वाली बीमारी होती है, पित्त, क्या क्या दिखता है पित्त में, गुस्सा भी जवानी में ज़्यादा आता है, जोश ज़्यादा होता है, हाँ मैं तेरे को नहीं छोड़ूँ, मैं तेरे लिए ये कर दूँ, उसको तो मैं देखूँ, ये सब भी जवानी में ज़्यादा करते हैं। अरे बुढ़ापे में कोई कर भी लेगा तो बेचारा को हिम्मत तो होगी नहीं, चलेगा भी कैसे कर करके, तो वो ज़्यादा उत्तेजना, जितने भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो पित्त के लक्षण हैं, चाहे वो आपके एक्ने हो, चाहे पिंपल्स हो, चाहे रैसेज पड़ते हैं, चाहे और ये सब लक्षण पित्त वाले ज़्यादा होते हैं। और वृद्धावस्था में ये दुख रहे, घुटने दुख रहे, कमर भी दुख रही है, और सूजन भी आ गई है जी, ये भी हो गया जी, ये ज़्यादातर कब होता है, वृद्धावस्था में। हालांकि आजकल कई सारे लोग जवानी में भी तीनों आनंद लेते हैं, बचपन वाला, बुढ़ा वाला, जवानी वाला, सब वो अलग बात है, तो प्रायः सामान्यतया। तो ये तीन दोष, एक तो जीवन की दृष्टि से, इसी तरह से इसको समझना हो तो हम प्रतिदिन भी इन दोषों का सामना होता है, प्रतिदिन कैसे होता है इसको समझिए। प्रातः काल का जो समय होता है वह कफ प्रधान होता है, जितने भी खांसी खुर्रा वाले होते हैं ना, सुबह उठते खाँव खाँव करना शुरू करते हैं, छींक छांक, पैर वाले जी धरती में पैर बाद में रखते हैं, बोले छींकना पहले शुरू कर देते हैं, ये सब सुबह होता है ज़्यादातर काम। और दोपहर को जो भी नो पड़ते हैं ना, गमोरियाँ हो गई, दाने हो गए, रेसेज हो गए, धूप में निकले, गर्मी में चले, तो पित्त वाले दिन में हो जाता है। और रात्रि को जिनको दर्द हो, जिनकी सूजन हो, तो आप देखना रात को वो बेचारे और अकड़ाहट और दर्द बढ़ने शुरू हो जाती है। यह एक प्राकृतिक रूप से एक अवस्था है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी समझने की बात है। लगभग 4 बजे तक वायु का समय होता है, 4 से 5 के बीच में वायु और कफ का समय होता है, कफ वाला समय 5 से लेकर 7 तक लगभग कफ रहता है, फिर 8-9 फिर पित्त वाला समय आता है। यदि आप उसको 24 घंटे को देखेंगे तो पित्त वाला समय जो है ना ज़्यादा अवधि है, वायु वाला उससे थोड़ा सा कम है, कफ वाला बिल्कुल कम समय है, यदि हम 24 घंटे को यदि घंटों में बांटते हैं तो। तब जब सुबह हम उठते हैं, जो व्यक्ति 4 और 4:30 बजे के बीच में उठता है, 4 और 5 के बीच में उठता है, आप कभी देखना जिनको कब्ज की शिकायत हो, 100% तो नहीं कहूँगा मैं पर 90% कह सकता हूँ कि जिनको कब्ज की शिकायत हो वो 4 और 5 के बीच में उठना शुरू कर दें, कब्ज की बीमारी 90% ठीक हो जाएगी, आप मानिए इस बात को। और जिसका पेट ठीक है उसको ख़राब करना हो तो भी आप ट्राई कर करके देख लो, आप 7-8 बजे तक सो जाओ, फिर पेट साफ हो जाए तो मुझे बताना आप इसका कारण क्या है। कारण बहुत, ये एक विज्ञान है, ये मॉडर्न मेडिकल में ये चीज़ों को इस तरह से नहीं किया गया है, इस तरह से अनुसंधान नहीं किया गया, हमारे ऋषियों ने किया था। जब कफ का काम क्या है, कफ क्या होता है, कफ एक तरह से श्लेष्मा है मोटे रूप में, कफ को तो हम बलगम को कफ बोलते हैं, कफ मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर जो चिकनाहट है, जो श्लेष्मा है, जो लुब्रिकेट, जो जिन पदार्थों से हमारे शरीर के अंदर एक तेज या चमक जो आता है ना, वो कफ की वजह से वो चीज़ होती है। तो जब कफ शुरू होता है, कफ शुरू होने का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर जो आंतों के अंदर जो गति करने की क्षमता है, आंतों के अंदर जो चिकनाहट है वह बढ़ती है उस समय पर। और वायु का काम क्या है, वायु का काम क्या है, गति देना। भाई जितनी भी गतियां हैं शरीर में या दुनिया में वो वायु की वजह से है। तो सुबह सुबह वायु का समय खत्म होने को है, वायु गति प्रदान कर रहा है, कफ एक स्थिति को लचीलापन या उसको सॉफ्ट कर रहा है मल को। तो मल विसर्जन वायु और
कफ के समय पर ठीक हो जाएगा। वायु का समय निकल गया, फिर बचा कफ और पित्त का, तो कफ कफ का रह गया 7 बजे के बाद में, तो भी पूरा पेट साफ नहीं होगा, थोड़ा साफ होगा। क्यों? क्योंकि गति देने वाले का समय कम हो गया, वो चला गया। फिर उसके बाद में और लेट हो गए तो चिकनाहट भी खत्म हो गई, सूख गया मल, फिर तो वो बनेंगे सुत्ते से, क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल एकदम टाइट लैटिन होनी शुरू हो जाएगी फिर तो। तो भयानक स्थिति, इतनी सी बात है और ये बिल्कुल व्यावहारिक बात है। तो हम यदि सुबह उठते हैं, पेट ठीक होना शुरू हो गया, बाकी सारी बीमारियाँ हमारी हम काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो सुबह उठ करके जल्दी उठना, पानी पीना, इतने मात्र से कितने सारे लाभ होते हैं। तो बाकी फिर जो भी दातुन वगैरह करना है, मंजन वगैरह करना है, पानी पीते समय भी ये ध्यान रख लीजिएगा, पानी पीते समय हमको खड़ा खड़ा पानी नहीं पीना चाहिए। ये हमने अनुभव किया है, श्रद्धेय स्वामी जी कई बार आपको बताते हैं, खड़े खड़े पानी पीने से ना ये घुटने दुख, सुबह का पानी खड़े खड़े पीते हैं तो घुटने दुखने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल छोटी सी बात है पर व्यवहारिक ही है, और नहीं तो खड़े खड़े पानी पी के कुछ दिन देख लो। तो हम क्या करें, यदि आप उकड़ू बैठ करके पी सकते हैं, जैसे इंडियन सीट में जब टॉयलेट में बैठते हैं ऐसे बैठ करके पी सकते हैं, तो वैसा पी लो, नहीं तो नॉर्मली आप चेयर पर, सोफे पर, जहाँ भी बैठ करके आराम से बैठ करके पानी पी लीजिए, उससे ये आपके घुटनों में एकदम दुखने वाली बात नहीं होगी। ये तो सुबह पानी पीने की बात हो गई। फिर आपने जो भी नित्य कर्मों से, 2-3 चीज़ें मैं और बता देता हूँ नित्य कर्मों में, हालांकि छोटी छोटी बातें पर बहुत बड़ी हो जाती हैं कई बार। हम लोगों के यहाँ परंपरा थी नहाते समय, आजकल तो हम शावर लेने जाते हैं खड़े खड़े, और आपको पता है अमेरिका के ऊपर रिसर्च हुआ, शावर में जब नहाते हैं तो उससे हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है, उससे अस्थमा होने की संभावना बढ़ती है, उससे बहुत तरह के बैक्टीरिया और वायरस जो इस डायरेक्ट शरीर में जाने की संभावना होती है। ये मैं एक रिसर्च की बात बता रहा हूँ, पर हमारे यहाँ तो ये परंपरा नहीं थी। हालांकि आजकल हम लोग ज़्यादा, क्यों, समय है नहीं, सब काम हम क्या करते हैं, खड़े खड़े चलता है, मतलब शौच जाओ तो भी खड़े खड़े, नहाओ तो खड़े खड़े, खाओ तो खड़े खड़े, पर हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है, आप ध्यान रखना। हमारे सारे काम बैठ करके थे, शौच जाओ तो बैठ करके, नहाओ तो बैठ करके, खाओ तो बैठ करके, यानी हमने अपनी संस्कृति में से मॉडर्न होने के चक्कर में, पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में जो काम हम बैठ करके करते थे वो सारे धंधे खड़े खड़े शुरू कर दिए। तो हमको फिर बैठने की तरफ लौटना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर तो ये बातें नहीं बैठ करके नहाने वाली, तो रिसर्च वहाँ होते हैं, वहाँ होकर के वो कहते हैं कि उनकी जो परंपराएं गलत हैं। तो हमारे नहाने की परंपरा क्या थी मैं आपको बताता हूँ। यदि जो है जब आपको गर्म पानी से नहाना हो सर्दी में, गर्म पानी को सर में तुरंत डालने से वह नुकसान करता है, एकदम नुकसान होता है उससे। हमको गर्म पानी से धोना है, पहले हाथ पैरों को धोइए, पैरों में डालिए, धीरे धीरे पानी को डालते हुए फिर अपने शरीर में डालिए, फिर उसके बाद में सर पे डालिए। ये गर्म पानी से नहाने की विधि है। शावर में आप जाएंगे गर्म गर्म, पहले तो मुंडी तो देंगे, सर दोगे सर पे पानी जाएगा, तो भयानक नुकसान करता है वो, आप करके देखना, ये छोटी छोटी बातें। तो हम क्या करें, तो हम अपनी बाल्टी मग्गा ना छोड़ें। और यदि गर्मी है, चलो आपको थोड़ा ठंडे पानी से नहाना है, तब क्या करें, या सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाना हो, पहले मग्गे लीजिए, धीरे धीरे थोड़ा सा पानी सर पर डालिए, धीरे धीरे सर को धोइए, अपने बालों को धोइए, बाल धोने हो तो, नहीं तो मुंह को धोइए, धीरे धीरे फिर ऊपर से पानी डाल करके शरीर में डालिए। ये नहाने की विधि है, बैठ करके नहाइए। यदि खड़े खड़े भी नहाना पड़े फिर भी मैं कहता हूँ गर्म पानी है तो पहले हाथ पैर धो लो, ठंडा पानी है तो सर धो लो, फिर बाद में चाहे आप शावर में भी नहा लीजिए तो शायद ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एक छोटी सी बात थी परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से हमारे यहाँ कभी भी भोजन से पहले
भोजन से पहले स्नान का विधान है, भोजन से पहले ही नहाना चाहिए। नहाने से यानी कुछ खाने से पहले, क्यों? इसलिए नहीं कि सुबह ब्रश कर लिया और हमने मुंह धो लिया, ठीक है, मुंह के बैक्टीरिया तो ख़त्म हो गए, बाकी तो फिर खा सकते हैं। फिर भी हम लोग क्यों नहीं खाते हैं? हमारे परिवारों में आज भी हिंदुस्तान में ये प्रचलन है, विदेशों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो च्युइंगम सा चबा चबा करके ब्रश भी नहीं करते, बहुत शेड्यूल लोग हैं, हमने देखा। तो हमारे ऐसा नहीं माना जाता, कम से कम आज तक हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता है कि कोई आधा एक % ऐसे लोग होंगे, तो हमको पता नहीं है, पर वो ऐसे लोग तो नहीं कि च्युइंगम चबा करके वो सोचते हो कि ब्रश का काम हो गया, अभी तो ऐसा नहीं है। तो फिर हम क्या करें सुबह? हमारे यहाँ परंपरा का आज भी कहते हैं अच्छा बिना नहाए तू खा लेगा, यानी कि बिना स्नान के भोजन करना उसको बहुत ख़राब माना जाता है। ये अलग बात है कि जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं, थोड़ी ठंड वगैरह होती है, चाहे आप अरुणाचल में जाओ, इधर सिक्किम से लेकर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक, वहाँ ठंड की वजह से बिना नहाए भी खा लेते हैं, वो अलग बात है प्रायः, पर पूरे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था थोड़ी कम है। स्नान कर करके भोजन करने से जो हमारी जठराग्नि है, बाकी चीज़ें हैं, वो बहुत सिस्टम हमारा ठीक रहता है। तो स्नान करके भोजन करना चाहिए। परंतु आजकल हिंदुस्तान में भी एक फैशन शुरू हुआ है, वो क्या है? रात को काम वगैरह तो सबको करना पड़ता है, आजकल माताओं बहनों को भी बहुत सारे काम करती हैं, तो रात को जब घर आते हैं, घर आने के बाद में भूख तो जोर की लग रही होती है, पहले खा लेते हैं, बाद में फिर नहा करके सोते हैं। ये बहुत खतरनाक है। आप लेट भी हो गए हों, आपको नहाना है, स्नान करना है, पहले आप स्नान कर लो उसके बाद खाना खाओ। घर में आप एकदम नियम बना दें कि भोजन के बाद, रात को खाने के बाद कोई नहीं नहाएगा। खाने के बाद नहाने से क्या होता है कि जो हमारी जठराग्नि वो मंद पड़ जाती है, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, पाचन प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है, और शरीर की जो वायु और कफ की मात्रा बढ़ने की संभावना रहती है, उससे बहुत सारी बीमारी होने की संभावना रहती है। छोटी सी बात है, तो इस चीज़ से हम बचें। तो ये स्नान कब करना चाहिए और पानी कब डालना चाहिए, ठंडा पानी कहाँ, गर्म कहाँ, छोटी छोटी बात है। इसी तरह से हमको आहार के समय पर, हमारे यहाँ पहले देखा होगा अपने घरों में भी, कुछ लोग अभी भी करते होंगे, हम लोग क्या करते थे, भोजन से पहले आचमन करने का विधान था। चलो आप हाथ में लेकर के आचमन ना भी करो, पर गिलास में पानी है तो एक घूंट पानी पी लो। क्यों? पानी पीने से जो गले में कफ वगैरह रुका होता है, गले में थोड़ी सी जो खुश्की होती है वो दूर होती है, और तीसरी चीज़, जब हमारा जो जठराग्नि है, जैसे आग जल रही होती है तो अग्नि में जलते हुए थोड़ी सी छींटे डाल देने से अग्नि और तेज होती है, ऐसे हमारी जठराग्नि और तीव्र हो जाती है। तो हमको आचमन करना चाहिए, छोटी सी क्रिया, उसी से आप देखेंगे हमको निरोग रहने में उससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो आचमन तो हमने भुला दिया, परंतु भोजन से कम एक घंटा पहले आप जल ना पिए। गर्मी है तो आधा घंटा कम से कम रख लें, क्योंकि भोजन से पहले जल पीने से हमारी जठराग्नि बंद पड़ जाएगी। उसके बाद में हमने भोजन किया, भोजन को भी चबा चबा करके खाना चाहिए, और हमने स्वयं महसूस किया है प्रातःकाल यथेष्ट आहार, क्योंकि नाश्ता ठीक ठाक आप कर सकते हैं, मध्यान्ह को भी ठीक भोजन ले सकते हैं, रात्रि को हल्का आहार लें। और आजकल एक फैशन और शुरू हो गया है, जो डाइटिशियन है वो लोग कहते हैं कि नहीं, थोड़ा थोड़ा खाओ, दिन भर खाओ। ये भी खतरनाक प्रक्रिया है, हमको दिन भर चढ़ते नहीं रहना है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मशीन को तो कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, हमको थोड़ा थोड़ा खाना है पर दिन भर खाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि 3 बार का आहार पर्याप्त है, यदि किसी को फिर भी नहीं रहा जाता हो, दिन में 4 बार आप ले लो ना, सुबह आप नाश्ता ले लीजिए, दोपहर को आप भोजन ले लीजिए, सायंकाल को कुछ हल्का सा फ्रूट या कुछ जूस वगैरह ले लीजिए, रात्रि को थोड़ा सा आहार ले लीजिए, इतना पर्याप्त है। और इसी तरह से सुबह सुबह आजकल जो अंग्रेज हमको सिखा करके गए, जो खाली पेट चाय पीने की विधि, खाली पेट चाय पीना बहुत खतरनाक है। आप गर्म पानी पी लीजिए, चाय पीने की आदत ही ख़राब है, पर यदि पीना भी चाहें आप तो 2-3 चीज़ों को ध्यान रख लीजिए। एक तो जो हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ आदत है ना, हम लोग तो क्योंकि स्वादिष्ट भोजन, विविध तरह के व्यंजन, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसमें से एक काम हम कर रहे हैं, मैं भोजन शास्त्र के ऊपर भी काम कर रहा हूँ कि जितने भी शाकाहारी व्यंजन हैं, कि दुनिया में कितने तरह के व्यंजन हैं, उसके ऊपर काम करते हुए मुझको ये बताते हुए खुशी है कि भारतवर्ष के अंदर जितनी भोजन की विविधता है दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और हमारे यहाँ जो भोजन की विविधता है, वो ऋषियों ने ना इस तरह से प्रारंभ किया कि वह औषधि के रूप में,
अन्नमयी औषधि, उसको स्वाद के लिए नहीं था, वो सब कुछ जीवन को बलिष्ठ और स्वस्थ रखने के लिए था। वहाँ से प्रारंभ हुआ ये सब कुछ। फिर हमने उसको और स्वादिष्ट स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में हम फिर स्वाद में रह गए, स्वास्थ्य हमारा गौण हो गया। आहार को स्वास्थ्य मुख्य रखिए, स्वाद को गौण रखिए, उसी दिन जो है ना हमारी बीमारी आदि तो चली जाएगी। और विशेष करके कर मेरी माताएं बहनें, क्योंकि गृह मंत्री तो आप ही हैं, हालांकि कुछ भाई लोग आजकल रसोई बनाते हैं क्योंकि सहयोग करते हैं, कुछ खुशी से करते हैं, कुछ मजबूरी से करते हैं, कुछ बहनें आँख दिखा देती हैं इसलिए करते हैं, वो अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, पर फिर भी माता बहनों का आज सब कुछ उनके हाथ में है। तो आहार को रुचिकर के साथ में स्वास्थ्यकर बनाइए, आहार को औषधियाँ बनाइए। औषधि का मतलब ये नहीं कि कड़वा बना दो, क्योंकि दवाई का मतलब हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि कड़वी चीज़ मतलब दवाई नहीं, बहुत स्वादिष्ट दवाई भी हो सकती है। शहद औषधि है, बहुत मधुर है, घी औषधि है, बहुत स्वादिष्ट है, तो हमको उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हम इस तरह से चीज़ों को करते हैं। तो आहार के विषय में मैं बता रहा था कि भोजन की जो विविधता है वह हमारी भारतवर्ष की एक खूबसूरती है और हमारे यहाँ की यह एक विशेषता है। तो इस विशेषता को हमको स्वस्थ रहने का साधन बनाना चाहिए। तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले, इन सब को ले लेकर के हमको बीमार नहीं होना है। तो आहार के विषय में कि जल भोजन से पहले, फिर खाना खाने का आधा घंटे तक आपको जल नहीं पीना है, क्योंकि वो खाने के बाद में जल पीने से, तुरंत पीने से फिर वो भारी हो जाता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। और प्रातःकाल पानी पीने की बात जैसे मैंने कही, दोपहर को भोजन में जिसको छाछ मट्ठा लस्सी जो हम कहते हैं तक्र, उसका सेवन करें जो स्वस्थ हैं, और जिनको आर्थराइटिस वगैरह है ज़्यादा है तो ना लें, नहीं तो ताज़ा बिल्कुल ताज़ी दही का मट्ठा बना कर ले सकते हैं। दही हानिकारक है, जिनको ज़्यादा कफ हो वो ना लें, बाकी सब लोग ले सकते हैं। और रात्रि को दूध लें भोजन के बाद में, परंतु दूध और भोजन में लगभग 20 मिनट का अंतर रख लेना चाहिए मिनिमम। और जिसको कफ बनता है वो थोड़ी हल्दी डाल के ले लें, नहीं तो नॉर्मल दूध पिए, मीठा डाल करके ना पिए। और जो चाय बनाने की विधि की बात कर रहा था मैं, तो चाय सुबह सुबह जो है हमारे साथ प्रयास करिए कि हमको चाय ना पीनी पड़े तो मत पियो, फिर भी आदत पड़ी है तो खाली पेट तो मत ना पियो। तो हमारे यहाँ जो स्वादिष्ट मसालेदार बना करके जो खाने पीने की आदत है ना वो खतरनाक है। चाय वास्तुतः आप देखेंगे, कई लोग, आप लोग बाहर विदेशों में जाते होंगे, हालांकि हिंदुस्तान में भी अब ये शुरू हो गया है, पहले नहीं था, अभी वो थोड़ा ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। चाय के पत्ती को अलग से उबालते हैं, अलग से उबाल करके उसको जितना भी आपको दूध मिलाना है उतना दूध डाल करके अलग से आप शक्कर मिला करके उसको पीते हैं, ये विधि ठीक है। चाय पत्ती को उबालिए, चाय पत्ती के साथ चीनी और दूध को मत उबालिए, ये बहुत खतरनाक हो जाता है। ये इसमें मिल जाने से वो जहर बन जाता है, पॉइजन बन जाता है, और हम तो उसको बहुत खटकाते हैं। और स्वादिष्ट बनाना तो माता हमारी इलायची भी कूट के डालेंगे, अदरक भी डालेंगी, और न जाने क्या क्या सब कूट काट करके बस मसालेदार चाय बना दिया। नहीं, कतई भी मत पीजिए ऐसी चाय को, और ज़रूरत भी नहीं हो वैसे तो पीने की, पर फिर भी पीनी हो या किसी को पिलाने के लिए भी हो। अपनी जड़ी बूटी वाली भी है, हमारी दिव्य पेय जो है वो बहुत फेमस है, बहुत लोग पीना शुरू कर देते हैं, तो कई लोगों ने घरों से चाय को तिलांजलि दे दी। तो ये एक आहार के विषय में इतना हम कर लें, तो मैं कहता हूँ कि फिर सुबह योगासन प्राणायाम थोड़ा नियम बना लें। श्रद्धेय स्वामी जी तो दो दो घंटे की, एक एक घंटे की बात करते हैं, पर फिर भी मैं निवेदन करूँ एक घंटा कम से कम सुबह रख लो, उससे भी काफ़ी कुछ ठीक रहेंगे। और घर में परिवार में नियम बनाइए, इसी तरह जिस मैं आहार की बात कर रहा था, ठीक है आप एक समय पर टेबल पर बैठ करके खाना खा लो, दिन में ऑफिस में होते हो, इधर उधर काम में रहना होता है, फिर भी मैं कहता हूँ कि एक बार कम से कम जब भोजन आहार आप नीचे बैठ करके खाने की आदत डालिए, पालथी मार करके बैठिए, नीचे बैठ करके आप खाना खाने की आदत डालिए। इस परंपरा को मत छोड़िए, अपने घर में इस परंपरा को शुरू करा दीजिए, सभी लोग बैठें पालथी मार करके खाएं आनंद से। और एक चीज़ और निवेदन, खाना खाते समय प्रयास करिए, कहीं नहीं दुनिया आगे भागे जा रही है, टेलीविज़न बंद कर दीजिए जब तक आप भोजन कर रहे हैं, आधा ध्यान टीवी पर, आधा खाने में, आधा गटक गए, आधा जो है चबा गए, आधा ऐसे खा गए, क्योंकि जैसा हम आहार लेते समय हम भाव करते हैं
जैसी हम भावना करते हैं। और माता बहनों से मैं यह भी निवेदन करूंगा, जब भोजन पकाए ना, किचन में जो है ना फिल्मी गानों की जगह पर यदि आप कोई भजन या कोई अच्छी सी चीज़, कोई अच्छा सा संगीत लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप उसको गुनगुनाते रहें, गुनगुना करके प्रसन्न मन से रोटी बेलेंगे, सब्जियाँ बनाएंगे, तो जो खाएगा वो भी खुश रहेगा। और उछल कूद में आप बनाते रहोगे तो खाएगा वो भी कूदता फिरेगा। तो इसको करिए, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर आप देखेंगे इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को संवार करके करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, परिवार को ठीक रख सकते हैं। जब हम स्वयं ठीक होंगे तो हमारा परिवार खुशहाल होगा, परिवार ठीक होगा। देखिए बीमारी मजबूरी है, बीमारी मजबूरी है, हॉस्पिटल जाना मजबूरी है, पर हम बीमार ना हो इसके लिए थोड़ी सी सावधानी रखें। सावधानी मजबूरी नहीं है, सावधानी तो हमारी समझदारी है। तो हमको समझदार बनना है, हमको मजबूर नहीं बनना है। तो आप सब समझदारी से जीवन को जिएं। और इन चीज़ों को, यह स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है, रोगियों के लिए भी है। रोगी हैं तो, क्योंकि ये मेरी 2-3 किताबें हैं, मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें एक दो घंटे में नहीं समझाया जा सकता। एक तो ये छोटी सी किताब मैं अभी आते आते ले आया, औषध दर्शन, एक दूसरी है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। ये 2 किताबें आप लोग ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि ये औषध दर्शन तो भारतवर्ष की जितने भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी से लेकर के अंग्रेजी से लेकर के उर्दू से लेकर के तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, असमी, नेपाली, सभी भाषाओं में हैं। तो इसमें लगभग जितनी चीज़ें हैं आपको इसमें दी गई हैं। और बाकी ये जो आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य हैं, हमने यह भी प्रयास किया है कि हमारे शरीर में वातपित्त कफ कौन सा दोष है, उसको कैसे समझें, यह भी मैंने इसमें दिया हुआ है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो मैं इस पुस्तक के बाद इसके लिए कह रहा था, आयुर्वेद के शास्त्र में ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैंने इसमें डाला है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। वो ऋषि कहते हैं हमारे, पथ्य सति गदार्थस्य किमौषध निषेवण ही, पथ्य असति गदार्थस्य किमौषध निषेवण ही। यदि हम खाने में परहेज करते हैं, दिनचर्या को ठीक रखते हैं, तो दवाई की ज़रूरत क्या है? यदि हम अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं रखते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी दवाई की ज़रूरत क्या है? यानी कि पथ्य के द्वारा, संयम के द्वारा, आहार विहार को ठीक कर करके, दिनचर्या को ठीक कर करके, योगासन प्राणायाम के द्वारा ठीक उचित मात्रा में करने से हम सभी बीमारियों से, जो बीमारियां नहीं हैं उनसे बच सकते हैं, बीमारियां हैं तो उनसे ठीक हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में जितनी भी तरह की पद्धतियाँ हैं, जितनी भी पैथियाँ हैं, वह बीमार होने के बाद में हमको उपचार बताया जाता है, पर योग और आयुर्वेद 2 ऐसी विधाएं हैं। कई बार आयुर्वेद का मतलब हम ऐसा मान लेते हैं और हमारी मानसिकता ऐसी बन भी गई है कि जो हम विविध तरह के पैकिंग में, जब सुंदर सुंदर नीली पीली हरी और सुंदर सुंदर पैकिंग में बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम होकर के चीज़ आती है, तो हमको लगता है कि न जाने हम क्या ताकत की चीज़ खा रहे हैं, पर वस्तुतः उन डिब्बों में ताकत नहीं है, उन डिब्बों में स्वास्थ्य नहीं है, यह हमको समझना होगा। समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्ये विधीयते, कि हमारी ऋषि लोग कहते हैं कि प्रसन्नता हो इंद्रिय में, मन में, आत्मा में, वह स्वास्थ्य की परिभाषा है। इसके लिए हमारी विधाएं हैं योग और आयुर्वेद। हम कभी कभी मान लेते हैं कि आयुर्वेद का मतलब गोली बटी चूर्ण है, वो गोली बटी चूर्ण तो आयुर्वेद का एक छोटा सा भाग है। बीमार ना हो ये दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, हितभुक, ऋतभुक, मितभुक, ये सारी जो विधाएं हैं यह हमारा आयुर्वेद है, यही योग है, इसको हमको समझना है। तो आज मॉडर्न रिसर्च भी ये कहता है कि 70-80% डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम लाइफ स्टाइल चेंज कर लें। तो ये जो दिनचर्या की बात है, जो स्वस्थ वृत्त की बात है, जो आयुर्वेद के अंदर स्वस्थ वृत्त एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो हम अपने जीवनचर्या को, अपनी दिनचर्या को ठीक कर लें तो निश्चित रूप से हम रोगों से बच सकते हैं। और इसको हम जरूर करें। इमरजेंसी में बहुत कोई क्रिटिकल स्थितियाँ हैं, उस स्थिति में इमरजेंसी के लिए दवाइयाँ बिल्कुल तब ले लेनी चाहिए, पर वहाँ पर भी जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं, इग्नोर वहाँ पर भी नहीं करना। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी बार बार कहते हैं कि बीपी भी दवाई बंद हो जाती है, छूट जाती है, शुगर भी ठीक हो जाती है, सच में ठीक होती है, लाखों लाखों भाई बहनों ने ठीक किया है,
पर कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, मैं इस बात को सामूहिक रूप से कह रहा हूँ कि एक बार आपके शुगर कंट्रोल हो गया तो आपको लापरवाह नहीं होना, दबा करके रसगुल्ले खाने शुरू कर दिए, दवाई भी छोड़ दी, फिर बाद में प्राणायाम भी छोड़ दिया, तो खतरनाक हो जाएगा। डायबिटीज़ है तो अपना ग्लूकोमीटर छोटे छोटे घरों में आप ला कर रख सकते हैं, कितने देर लगता है, एक बूंद खून निकालना है। तो हमको सावधान रहना है, पर हमको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि मॉडर्न सिस्टम में कई बार बड़ी भयानक रूप से बीमारियों के नाम गिना देते हैं, तो आपको लगता है पता नहीं क्या भयानक बीमारी हो गई, इतना डरने की जरूरत भी नहीं है। सावधानी रखिए, प्रयास करिए, निर्भय रहिए, इतना करिए, अपनी दिनचर्या को ठीक करिए, आहारचर्या को ठीक करिए। बहन आँख की दवाई के लिए कह रही थी, मैं आपको बताऊँ ये जितना भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत कारगर है। जितना भी कर सकते हैं आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। इवन तुरंत कैंसर की ऑपरेशन हुआ हो, हार्ट की सर्जरी हुई हो, उस स्थिति में भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। हमने DMC दयानंद मेडिकल कॉलेज, वहाँ हमने कुछ पेशेंट्स के ऊपर जो हार्ट की सर्जरी के बाद लटा दिए गए, उसके ऊपर देखा हीलिंग कितना जल्दी होता है। कुछ हम लोगों ने एम्स में भी करवाया अनुलोम विलोम प्राणायाम कैंसर के रोगी के ऊपर, तो सर्जरी के बाद में भी रिकवरी, जिन्होंने प्राणायाम किया उनकी बहुत जल्दी हीलिंग हुई है। तो इन चीज़ों को करिए, ये सामान्य क्रियाएं नहीं है, आप करो, आपने कई लोगों ने लाभ भी पाया है, अनुभव भी किया है, और सब आप लोग मुरीद हैं, तो उसको जीवन में अपनाइए, आगे बढ़िए और आनंद से रहिए। प्रतिकूलताओं को भगाने का एक ही उपाय है, हम अपने आप को अस्त व्यस्त ना होने दें। जितना आप व्यवस्थित होंगे उतनी ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसीलिए आप आनंद से रहिए। हमारी शुभकामनाएं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम आपको।